हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। आज आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैं अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग खुद करती हूँ। ये देखिए ड्रेसिना का प्लांट मेरा, मैं इसे इस घड़े में लगा रही हूँ। मेरे पास कुछ चार पांच घड़े आए पड़े हैं, तो जब कोई मेरा पॉट टूटता है तो मेरे ये घड़े घड़े काम आते हैं। ऑलरेडी ये प्लांट घड़े में ही था, लेकिन रूट्स काफ़ी हो गई थी, उससे घड़ा फट गया, तो अब मैं इसकी रूट्स को मैंने एक्स्ट्रा रूट्स को हटा के इसमें लगा दिया। इसे कोई खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल मिट्टी में भी बहुत अच्छा चलता है। फिर मैंने कहा चलो एरिका प्लांट, ये जो मेरा है एरिका पाम, इसकी भी मैं रिपोर्टिंग कर देती हूँ। देखिए इसकी ऐसे मैंने काफ़ी सारी रूट्स निकाल दी काट पाट के बिल्कुल ही, और इसकी मिट्टी में मैं फंजीसाइड ज़रूर मिलाऊंगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि फंगस लग जाए। इतनी रूट्स के साथ काट छाट की है तो फंजीसाइड बहुत ज़रूरी है मिलाना। तो मैंने कहा इसके अंदर फंजीसाइड मिला के थोड़ा से डीएपी के दाने डाल दिए हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट मेरी ख़त्म हो गई है, और वैसे अभी इन दिनों में बारिश के दिनों में खाद की खास ज़रूरत नहीं होती, बारिश का पानी ही अमृत है। तो फिर भी मैंने डीएपी के थोड़े से दाने डाल दिए हैं, और आप चाहें तो ये देखो शफलेरा भी लाइन में लगा हुआ है। आप चाहें तो इसके प्लांट के को डिवाइड भी कर सकते हैं दो भागों में, लेकिन मैं नहीं करूँगी। मैं इसको थोड़ा बुशी फॉर्म में रखना चाहती हूँ, थोड़ा बंच टाइप में, तो मैं इसको डिवाइड नहीं करूँगी। मैंने ये गमले में ठीकरी लगा दी और मिट्टी भर के मैं इसको एज इट इज़ इसी में ही लगा दूँगी। आप देखना ये प्लांट मेरा अच्छा खासा बड़ा है, पॉट बल्कि छोटा है, लेकिन अगर आप इस तरह से इसकी रूटीनली रूट्स हटाते रहें एवरी टू इयर्स पर, तो इतने छोटे पॉट में भी ये प्लांट अच्छा चलता है। एक तो दो फायदे होते हैं, एक तो गमला फटता नहीं है, दूसरा प्लांट जो है वो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। नहीं तो क्या होता है, इतनी ज़्यादा रूट्स हो जाती हैं तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, उसका काफ़ी उसको लॉस होता है। अब ये मिट्टी डाल के और मिट्टी को अच्छे से ठोक देंगे ताकि कोई एयर पैकेट सारे ना रहें। देखिए अब ये दूसरा, इसको भी मैंने इसी तरह से निकाल लिया और इसकी भी रूट्स हटा दी हैं, और ये इसकी एक्स्ट्रा जितनी भी रूट्स मेरे से हो सका है मैंने इनकी निकाल दी। देखो कितनी सारी रूट्स निकली हैं, और थोड़ा इसको झाड़ के और जितनी भी आप निकाल सकते हैं रूट्स इसकी हटा दीजिए। बहुत अच्छा प्लांट होता है ये, इसको सेमी शेड में रखेंगे तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। अगर डायरेक्ट धूप में रखेंगे और दिल्ली की गर्मी खासकर डायरेक्ट सनलाइट में जैसे मई जून की थी, उसमें तो बिल्कुल जल जाएंगे इसके पत्ते। देखिए इसमें एक भी पत्ता आपको जला हुआ नहीं मिलेगा, एक लीफ है वो ऐसे पुरानी हो जाती है तो ब्राउन होगी ही होगी, लेकिन सारे पत्ते ग्रीन हैं, क्योंकि इन सबको मैंने शेड में रखा हुआ है जहाँ थोड़ी पार्शियल सनलाइट आती है। इस मिट्टी में से जितनी भी डेड रूट्स हैं सारी हटा दी हैं, जितनी भी हैं निकाल दो, और इसको अच्छे से इसके अंदर फंजीसाइड मिला के इसमें भी मैंने और डीएपी मिला के इसको भी लगा रही हूँ। वैसे ये इंडोर प्लांट है, पर कुछ टाइम के बाद आपको धूप तो दिखानी ही पड़ेगी। और ये हो गया है, ये देखिए। आज मैंने कहा कि शफलेरा की मैं नहीं करूँगी रिपोर्टिंग, क्योंकि शफलेरा में चींटियाँ लग गई थी, तो उसमें मैंने फंजीसाइड का ही पानी डाल दिया फ़िलहाल। अगर चींटियाँ भाग गई तो ठीक है, नहीं तो उसकी भी मेरे को रूट्स निकाल के रूट्स वगैरह धो के अच्छे से फिर लगाना पड़ेगा। अभी मैं उसका वेट करूँगी। ये देखो मैं इसको इसी में ठोक देती हूँ अच्छे से। देखिए एक ही लीफ ब्राउन है इसकी, और गमले का पाया भी टूटा हुआ है, अनइवन हो जाता है। कोई नहीं, इसी में ही चलेगा ये। अभी देखो कितना अच्छा चल रहा है। ये मेरे पास दो ही थे, लेकिन दो से पता नहीं कितने हो गए हैं गमले ये डिवाइड कर करके, लेकिन अब मैं डिवाइड नहीं करूँगी। मैं भले ही गमला बड़ा कर दूँगी, लेकिन मैं अब इसको डिवाइड नहीं करूँगी।
क्योंकि रखने की जगह नहीं मिल रही है मेरे को प्लांट्स बढ़ते जा रहे हैं, जगह कम पड़ती जा रही है। इसे इसको अच्छे से इसकी मिट्टी को ठोक के दबा दो, एयर पॉकेट्स जो भी हैं वो सारी ख़त्म हो जाएं। और ये भी हो गया आज का, तो ठीक है फ्रेंड्स, आप इसी तरह मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी ज़रूर करें और बेल आइकन तो ज़रूर दबाएं, और कुछ भी लगता है तो आप कमेंट में प्लीज़ बताएं। ओके।